बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बार फिर मोड़ आ गया है। ये केस अब नेपोटिज्म से गर्लफ्रेंड पर शिफ्ट हो गया है। आपको बता दें, सुशांत के जाने के बाद फैंस अब तक उनकी मौत की वजह जानना चाहते हैं। वहीं फैंस सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। अब हाल ही में कल के दिन सुशांत सिंह के पापा ने पटना पुलिस में रिया के नाम की FIR दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 महीने से जांच कर रही मुंबई पुलिस मामले की जांच में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इसलिए सुशांत के पापा ने और परिवार ने बिहार पुलिस का सहारा लिया है। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं इसी बीच आरोप लगते ही रिया की वकील उनके घर पहुँच गई थी। वहीं पटना में दर्ज मामले की जांच मुंबई में ट्रांसफर करने की मांग की है। इस मामले को लेकर सुशांत सिंह के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि कोई व्यक्ति रिया चक्रवर्ती की मदद कर रहा है। वकील विकास सिंह ने PTI से कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती शीर्ष अदालत में पहुंची है तो उन्हें CBI जांच की याचिका दायर करनी चाहिए थी। FIR पटना में दर्ज की गई है। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मुंबई में रहने और जांच को स्थानांतरित करने की मांग की है। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए? मुंबई पुलिस में कोई उसकी मदद कर रहा है। वहीं यह बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में आज अंकिता लोखंडे और सुशांत की मेडिकल टीम को भी बुलाया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें, सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और मेडिकल टीम से पूछताछ होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि कई अहम खुलासे इस बीच हो सकते हैं, क्योंकि इस पूछताछ में सुशांत की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के सवाल जवाब किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।